पहली बात फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी फर्स्ट डिसंबर का पीरियड काउंट करना नाइन मंथ आता है शायद अप्रैल मई जून जुलाई ऑगस्ट सप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यू विल प्रिपेयर फॉर नाइन स्टार्टिंग डेट टिल ईयर एंड मटेरियल चार्ज टू साइट लेबर इंगेज फोर मंथ सैलरी ये सब डेबिट होने वाला है फ्रेम प्लांट कॉस्टिंग रुपीज टू लैख सिक्सटी थाउजेंड हैन फोर्टी सिक्स डेज

उसने अपना आधा समय इस कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है बाकी दूसरा आधा समय किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे दिया होगा द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रुपीज ट्वेंटी लैक्स ऑन थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्ड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड थर्ड काम हो चुका है 50 ,50 so ने हमको पेमेंट जो किया वो इंफॉर्मेशन है पेड ऑन अकाउंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट से पैसे मिले वो अकाउंट्स में लिखने का स्टाइल रहता है पेड ऑन अकाउंट परचेज ऑन अकाउंट उस वर्ड का ज्यादा ये नहीं करना आपने क्या बोलते उसको ज्यादा उसमें फंसना नहीं वो लिखने का स्टाइल है अब यहीं पर गड़बड़ है दोस्तों ये पैराग्राफी इम्पॉर्टेंट एक बार और पढ़ो इसमें कुछ नजर आता क्या आपको कुछ डेटा मिसिंग है इसका इसमें इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो इसमें कुछ डेटा मिसिंग है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग है आपके पकड़ में आती है देखो आई क्या आई कुछ इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन को स्टार लगवाने का कारण सिर्फ ये वाली लास्ट दो तीन लाइन है बस बाकी सब प्लेन है क्वेश्चन देखो कुछ लोगों के दिमाग की घंटी बजी होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम कितना हुआ है टू थर्ड टू थर्ड ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय बाईर एंड टू थर्ड काम हो चुका लेकिन सर्टिफिकेट टू थर्ड का मिला क्या सर्टिफिकेट टू थर्ड का नहीं मिला ना सर्टिफिकेट मिला फिफ्टी का 50 का मतलब होता है by काम हुआ उसमें से सर्टिफाई हुआ by इसका मतलब कुछ uncertified बचाना आउट ऑफ विच सर्टिफाइड इज बाई टू मीन इट मीन इज अनसर्टिफाइड अब यदि है तो हमको एक इंफॉर्मेशन लगेगी जो इस क्वेश्चन में मिसिंग है और वो है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आया क्या? क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट आपको कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लगेगी वो इस क्वेश्चन में दी नहीं है एक बार और देख लो ऊपर से नीचे तक कहीं इंफॉर्मेशन है क्या मुझे तो नहीं लग रही कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में मिसिंग है तो आप बोलेंगे क्वेश्चन में गलती है गलती नहीं है उनको देना नहीं है वो आपको कैलकुलेट करना है

लेकिन इंस्टीट्यूट ने यूज किया तो अपन कुछ बोल नहीं सकते तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा कितना लगा अपू थर्टी फर्स्ट डिसंबर उसको वर्क कॉस्ट बुलाते वो यानी कॉस्ट टिल डेट और आपको नोशनल प्रॉफिट निकालना है फॉर दी ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हुआ अब इसके आगे नहीं है यस yes. अब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट नया है और वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आप बोलेंगे नहीं दिया है, तो जीरो है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता जीरो कैसे आएगा यदि टू थर्ड काम हुआ और पूरे टू थर्ड काम का ईयर एंड पे सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर अनसर्टिफाइड कुछ बचा नहीं ना लेकिन काम हुआ टू थर्ड और सर्टिफिकेट मिला वन बाय टू का फिफ्टी परसेंट का तो इसका मतलब अनसर्टिफाइड तो है तो दिया नहीं है इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं तो वो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालना मेन काम है मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सॉल्व करते समय अभी चलते हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते वो वर्क अनसर्टिफाइड की जगह छोड़ देंगे सिर्फ चलो स्टार लगा दो क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर नाइन बाय ट्वेंटी सेवन लिखना चालू करो आपको समय दूंगा मैं वो अमाउंट ढूंढने का क्वेश्चन नाइन बाय ट्वेंटी सेवन हेडिंग दे दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम वन फोर ट्वेंटी टू थर्टी फर्स्ट डिसंबर ट्वेंटी Contract account for the period from 1st April 20 to 31st December 20, that is 9 months. Shallow debit credit, particulars rupees, particulars rupees debit side, particulars rupees credit side.